एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राखी सावंत ने किया एक और चौंकाने वाला खुलासा। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत अपने पति आदिल दुर्रानी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाने के बाद लगातार अब सुर्खियों में है। उन्होंने अब आदिल के बारे में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। राखी सावंत ने बताया था कि आदिल तनु उर्फ निवेदिता चंदेल नाम की लड़की के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। अब उन्होंने निवेदिता चंदेल को प्रेग्नेंट बताया है। दरअसल कल यानी रविवार को राखी सावंत ने चौंकाने वाला मामला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आदिल की गर्लफ्रेंड तनु प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उनके पति यानी आदिल जेल से बाहर आने के बाद तनु से शादी भी करेंगे। राखी सावंत ने यह भी बताया कि तनु के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वह चौंक गई है। अब राखी सावंत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राखी सावंत ने पेपराजी से बात करते हुए कहा कि आदिल को जमानत नहीं मिली है, मैं तो हैरान हूँ। पहले शादी की खबरें और अब निवेदिता तनु चंदेल प्रेग्नेंट है, तभी वह शादी करने वाली है। तनु को बाहर आकर बताना चाहिए कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं मुंबई और मैसूर पुलिस का शुक्रिया करना चाहती हूँ, उन्होंने आदिल के खिलाफ रेप केस का उजागर किया। यह बहुत हैरान करने वाला है। राखी ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कई आरोप लगाए। राखी सावंत ने आरोप लगाया है कि आदिल ने उनसे पैसे और गहने लिए हैं। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए राखी ने दावा किया कि वह सुबह घर पर मुझे पिटने आया, मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया, वह अक्सर मेरे घर आता था और धमकियां देता था, मैं डर गई। उसने कहा कि तुमने मुझे मीडिया में बदनाम किया है। संसद में जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति पर उठाई उंगली। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन अपने गुस्से के लिए काफी मशहूर है। कभी पेप्स के साथ उनकी कहा सुनी हो जाती है तो कभी फैंस पर भी बरस पड़ती है। ठीक इसी तरह एक बार फिर जया बच्चन को गुस्से के चलने के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। उनका गुस्सा सदन में देखने को मिला, जहां वह सदन में चेयर की उंगली करते हुए कुछ कहती है। इस दौरान राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीट पर मौजूद थे। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर जया बच्चन की गुस्से से लाल और उंगली करते हुए तस्वीर खूब वायरल हो रही है, क्योंकि वह उन्हें और अन्य लोगों को अपनी सीट लेने के लिए कह रहे थे। सदन में समाजवादी पार्टी की सांसद के इस व्यवहार की ट्विटर पर लोगों ने आलोचना भी की है। वीडियो के इस छोटे से क्लिप के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जया बच्चन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जया बच्चन फिर से गुस्से में दिख रही है और सांसद में मर्यादा की रेखा पार करती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, क्लिप में कमेंट करते हुए लिखा, ये जया बच्चन कभी खुश होती है, उनके चेहरे पर एक स्थायी गुस्सा है, हमेशा सार्वजनिक रूप से लड़ती रहती है, अपनी फिल्म में वो हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई लड़की के रूप में सामने आती है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें क्या चीज इतना कड़वा बना रही है। तो वही जया बच्चन के एक ऐसे वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें एक पेपराजी के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखा गया था। सुनिधि चौहान ने 18 साल में बॉबी खान संग रचाई थी शादी, एक साल में ही हुआ तलाक। सुनिधि चौहान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज के जादू से कोई भी बच नहीं पाया है। सुनिधि चौहान की आवाज बच्चे बड़े सबके दिलों में बसती है। इस सिंगर को 1996 में दूरदर्शन पर आने वाले म्यूजिक रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो से घर घर में पहचान मिली। इस सिंगर ने महज 13 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। अब तक वह 2000 से ज्यादा गाने गा चुकी है। हिंदी ही नहीं बल्कि सुनिधि चौहान ने मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, बंगला और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में भी गाना गा चुकी है।
सुनिधि चौहान आज भले ही अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस सिंगर का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुनिधि चौहान की पर्सनल लाइफ के बारे में। उत्तर प्रदेश की रहने वाली सुनिधि चौहान जब मुंबई में पहुंची तो उनकी मुलाकात कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई। सुनिधि बॉबी खान के इश्क में कुछ इस तरह गिरफ्तार हो चुकी, फिर न उन्होंने मजहब की चिंता की और न ही अपने घर वालों की। इस सिंगर ने महज 18 साल की उम्र में अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बॉबी खान से 2002 में शादी कर ली थी, लेकिन सुनिधि और बॉबी का ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और केवल एक साल में ही इन दोनों ने तलाक ले लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनाई रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।